लकीब को मावराए अदालत कत्ल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुकदमा खत्म करने की रिपोर्ट भी मंजूर कर ली। दीगर तीन अफराद को भी मावराए अदालत कत्ल किया गया। जाए वकुआ से गोलियों के निशान या दस्ती बम फटने के आसार नहीं मिले। मुकाबला बेबुनियाद था। राव अनवार और साथी मौके पर मौजूद थे। रिपोर्ट का मतलब खत्म कर दें ऐसी पुलिस, कोई दूसरी फोर्स लाएं। पुलिस कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। ये बगैर किसी वजह के चलते आदमी को मार देते हैं। फैमिली गाड़ी में सफर कर रही होती है, उसे भी मार देते हैं। 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, क्या वो भी दहशतगर्द थी? जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। कहा, ये अवाम के टैक्सों पर पलते हैं मगर अवाम के लिए कुछ नहीं करते। बच्ची अमल पुलिस की फायरिंग से जां बहक हुई। इल्जाम डाकुओं पर डाल दिया गया। वजीर आला सिंध का ऐवान में खिताब। कहा, एहलकारों की मजीद तरबियत की जरूरत है। भारी असलहे की जगह सिर्फ पिस्तौल देंगे। कोरंगी में पुलिस फायरिंग का वाकया नासमझी के बाइस पेश आया। पहले इलाज बाद में दीगर कार्रवाई। वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने अमल उमर बिल सिंध असेंबली में पेश कर दिया। अस्पतालों में जख्मी अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद दी जाएगी। दौरान इलाज तफ्तीश पर पाबंदी। निजी अस्पताल के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। हर अस्पताल में 2 एम्बुलेंस लाजमी होंगी। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख जुर्माना होगा। बिल कमेटी के सुपुर्द पीर को असेंबली में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची का अस्करी पार्क खोलने का हुक्म दे दिया। सिविल इदारे के मातहत करने की हिदायत। अजीज भट्टी पार्क को मॉडल पार्क बनाने का हुक्म। कराची के पार्क शहीदों के नाम पर बेच दिए गए। नाजमाबाद लालू खेत समेत कोई जगह नहीं छोड़ी गई। कहां गया क्लिफ्टन का एक्वेरियम? कहां गया प्लेलैंड? जस्टिस गुलजार के रिमार्क। मुलाकातियों की फहरिस्त दिखाई जाती है ना इजाजत ली जाती है। नवाज शरीफ का शिकवा, सेहत ठीक और हौसले बुलंद हैं। लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बेगुनाहों का खून नहीं बहाना चाहिए था। सानिया साहिवाल पर इजहार अफसोस। वालदा शमीम अख्तर, साहबजादी मरियम की भी मुलाकात। साहिवाल में जुल्म हुआ, पुलिस को सीधी गोलियां मारने का क्या इख्तियार है? लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। सानिया साहिवाल पर दरखास्त की समाअत। आईजी पंजाब पेश हो गए। जीआईटी सरबरा को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। पुलिस मुकाबलों की तफसील भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड्स की अराजी पर कमर्शियल तामीरात गिराने का हुक्म दे दिया। क्या डीएचए वाले समंदर को अमेरिका से मिलाना चाहते हैं? लाहौर में तो इमारतें बनाते हुए भारत तक जा पहुंचे हैं। जस्टिस गुलजार का इजहार बरहमी। कहा, असलाह डिपो के करीब भी शादी हॉल्स बन रहे हैं। विफाक और सूबा नहीं, यहाँ डीएचए वाले हुकूमत कर रहे हैं, समंदर बेच रहे हैं। इनका बस चले तो सड़कों पर भी शादी हॉल्स बना डालें। कारसाज शारा फैसल राशिद मिनास रोड पर शादी हॉल गिराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिनेमा, कमर्शियल प्लाजा और मार्केट्स भी मिसमार करने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल, सरबरा कंटोनमेंट बोर्ड्स और जिला चेयरमैन तलब। सरबराहान एएसएफ, केपीटी, पीआईए, सिविल एविएशन को भी बुला लिया। 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। बुलाएं सीएम को, क्या चीफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं? जाम सादिक पार्क से तजावजात खत्म ना करने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार नाराजगी। मलीर नदी की जमीन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को दे दी गई। इम्तियाज स्टोर और दीगर इमारतें बन गईं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का बयान, गैर कानूनी इमारतें गिरेंगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती। जस्टिस गुलजार के रिमार्क। जमीन वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। तजावुजात के पीछे कोई भी हो, आपको सब गिराना होगा। कराची की 1 इंच जमीन पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, आप लोग कठपुतली हैं जो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। तबाही में सब इदारों की मिलीभगत शामिल है। वजीर आला काबीना का फौरी इजलास बुलाएं। 2 हफ्तों में तजावुजात खात्मे की रिपोर्ट दें। अदालत का हुक्म। एडवोकेट जनरल साहब, हम आपकी लोरियों में आने वाले नहीं, हमें सुलाने की कोशिश ना करें। जस्टिस गुलजार का मुकालमा। कहा, लंदन के मेयर से पूछें शहर कैसे बसाए जाते हैं। हमें 1950 के बाद वाला असल मास्टर प्लान ला कर दें। शहर की कम से कम 500 इमारतें गिराना होंगी।
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 17 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ادارہ جاتی اصلاحات میں پیش رفت رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔